सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20। कारगिल हम लोग अभी निकल रहे हैं लेह के लिए। ये सनराइज जस्ट हुआ है, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, बस सामान गाड़ी में रखना है। अकू, आर यू रेडी फॉर लेह? यस। यू आर रेडी? यस। वाओ। सो चलो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। यहाँ रुके थे, सामान पूरा पैक कर लिया है, पानी वानी सब पूरा भर लिया है कम्प्लीट। अब निकलते हैं। हेडेक हो रहा है मुझे, थोड़ा टाइम लगता है। मे भी मैंने थोड़ा पानी भी कम पिया है। हम लोग ने डायमॉक्स रखा है लेकिन हम लोग उसको लेने नहीं वाले अनलेस एकदम ही लगा जरूरत है, क्योंकि मैं लोकल से भी बात कर रहा था, वो बोला अगर इस डायरेक्शन से आप ऊपर जा रहे हो तो बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो होपफुली दिन तक, शाम तक ठीक हो जाएगा सर दर्द। पानी पी रहा हूँ फ्रिक्वेंटली, तो पानी पीते रहो यार, पानी एकदम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, पानी पीना बार बार पीते रहो पानी, सब ठीक रहेगा। फिर कैसा लग रहा है परी? फाइनली हम लोग ले पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अभी भी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही फीलिंग है यहाँ की, लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है, और जैसे जैसे चेंजेस होता है थोड़ा थोड़ा दूर में जाते हैं, हर टाइम वो लैंडस्केप चेंज होते जा रहा था। इतना सुंदर लग रहा है ना, कलर्स इतने डिफरेंट आते हैं माउंटेन के, कहीं भी पर्पल ह्यू आ रहा है, कहीं एकदम से ग्रे हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, यू भी है यार बहुत सुंदर। आप लोग भी यहाँ पे गंदगी मत फैलाओ, स्पेशली अभी आजकल लद्दाख में कुछ ज्यादा ही टूरिस्ट आते हैं, और यार यूज करने के बाद प्लास्टिक बॉटल सब कुछ यहाँ फेंक देते हैं ऐसे ही बाहर, वो मत करो यार। इतनी सुंदर जगह है, इसको सुंदर ही रहने दो, ताकि अपन आए, अपने बाद अपने बच्चे आए, सब आए, उनको ऐसे ही दिखे ये। हाँ तो वो बह के चले गए आगे। हर 5 मिनट में पूरा टेरेन लुक सब चेंज हो जाता है, एक कर्व लो और पूरे डिफरेंट माउंटेन।
गाड़ी रोक ही दी यार, नज़ारे इतने अच्छे थे कि रहा ही नहीं गया, सोचा आप लोगों को दिखाऊं। This is the view from 11,640 feet. हम लोग वो रोड से अभी यहाँ आए ऊपर। और अभी वहाँ आगे जाना है। करो तो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, गाड़ी रोके। पिछले बार भी हम लोग यहाँ रुके थे, ये एक आर्मी कैफ़े, अभी तो बंद है ये, अभी खुला नहीं है, शायद बहुत जल्दी है, सुबह के 9 बज रहे हैं। पिछले बार हम लोग यहाँ रुके थे, यहाँ वड़ा पाव खाए थे, यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड चिपकाया था कि हम पूना से आए हैं, अंदर सब कुछ है, आप चिपका सकते हो, अपने मैसेज लिख सकते हो, वो सब है। एंड SBI का ATM है, कभी कैश चाहिए हो या ऐसा कुछ चाहिए हो तो काफ़ी अच्छा है। सो हम लोग अभी आर्मी कैंटीन जा रहे हैं। हाँ, वो चाय और मैगी दे देंगे बोल रहे हैं, तो हम लोग खा लेते हैं अभी यहाँ पे। दो वाला और फॉरन वाला। अच्छा, आपको मजा आ रही है यहाँ पे? वो फॉरन वाला मुझे बहुत पसंद है, वो वाला। अच्छा, Altitude is 13,479.
एक स्ट्रेचिंग ब्रेक ले रहे हैं यहाँ से ले आई थिंक 100 किलोमीटर और है। ये लेमेरू मोनेस्ट्री के जस्ट बाद में एक सीन है, ये यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, ऐसा कहीं और नहीं देखने मिलेगा। ऐसा लगता है सोना निकल के बह रहा है पहाड़ों से। सिक्सटीन में आया था, एग्जैक्टली सेम प्लेस पे गाड़ी रोकी थी मैंने, ये फ़ोटो खींचा था, फील द कर्व, डोंट हग देम, एंड ये व्यू था इसके पीछे का, एग्जैक्टली सेम 6 साल बाद। खलसी क्रॉस करते ही एक पेट्रोल पंप है, यहाँ चाहिए तो ले जाने के पहले आप यहाँ पे रिफ़िल करा सकते हो, तो मैं अभी यहाँ पे डीजल डला रहा हूँ। अभी ले आने के पहले यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है, वही सेम गाड़ी नंबर, कितने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एंड वो होने के बाद आप अंदर ले के तरफ एंटर कर सकते हो। यहाँ पे लोकल आंटी लोग ना फ्रेश एप्रिकॉट बेच रही थी और लोकल यहाँ के एप्पल लेके, तो मैंने अभी फ्रेश एप्रिकॉट लिया है, बहुत टेस्टी होता है। हम लोग पहले भी आए, पहले भी खाए, पहले तो हमने ट्री से डायरेक्ट प्लक करके खाया था, बहुत टेस्टी होता है ये।
अभी हम लोग मैग्नेटिक हिल पे हैं, आप देख सकते हो सामने की तरफ स्लोप है ना। मैं गाड़ी, अभी मैंने ब्रेक दबा रखा है, मैं ब्रेक छोड़ूंगा। आइडियली गाड़ी आगे जानी चाहिए बट गाड़ी पीछे जाएगी, सो मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ। एक मिनट, पीछे कोई है, एक सेकेंड। तो मैंने अभी पैर छोड़ दिया है, नाउ यू कैन सी गाड़ी पीछे जा रही है। तेज स्पीड में नहीं जा रही है बेटा, ज्यादा देर छोड़ दूंगा तो तेज स्पीड में जाएगी। स्लोप तो आगे आगे की तरफ है पर आगे नहीं जा रही। अब देख, मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, अब देख गाड़ी कैसे जा रही है। देख 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 कैसे जा रही गाड़ी, जा रही है पीछे। सो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ इतना कमर्शलाइजेशन नहीं था, ये ATV वगैरह नहीं होता था, और आप एक्चुअली में अपनी गाड़ी वहाँ ले जा सकते थे। बहुत सारे बाइकर्स अपनी गाड़ी वहाँ लेके जाते थे और वहाँ ऊपर चढ़ाव में पूरा चढ़ाते थे ऊपर तक, एंड इवन कार भी थोड़ा अंदर तक जाती थी। सो अभी हम लोग पत्थर साहिब पहुँचे हैं, ये बहुत फेमस गुरुद्वारा है। ऐसा कहते हैं कि जो भी ले आता है उसको एक बार यहाँ आना चाहिए। पत्थर साहिब जी का गुरुद्वारा है ये। एक यहाँ से ऐसा नीचे आपको जाना है, देन सीढ़ी है, सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हो। आपको जय हिंद बोलो। सो इसकी स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पे एक डीमन था, और जब गुरु नानक जी यहाँ पे अपनी पूजा कर रहे थे तो वो डीमन उनको तंग करना चाहता था, तो उन्होंने ये बड़ा सा बोल्डर गुरु नानक जी पे फेंका डीमन ने, पर मिराकुलसली वो जो स्टोन है पूरा वैक्स का कन्वर्ट हो गया एंड नानक जी इसके अंदर चले गए। तो ये देख के डेमन को बहुत गुस्सा आया, तो डेमन ने बोला मैं इसको लात मार के नीचे गिरा देता हूँ। तो जैसे ही वो उसको लात मारने गया फिर से वो एकदम सॉफ्ट हो गया और उसके पैर के निशान इसमें बन गए और गुरु नानक जी को कुछ नहीं हुआ। ये देख के उसको समझ में आया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो फिर वो गुरु नानक जी से बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलती के लिए। तो गुरु नानक जी ने उनको बोला कि आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ लोगों की सेवा में निकालिए और मैं आपको माफ़ करता हूँ करके। तो अभी हम यहाँ पे लंगर खा रहे हैं। हाँ, आपको लंगर खा के अच्छा लगा? अभी जो आप खाए ना उसको लंगर बोलते हैं। निकल रहे लंगर भी खा लिया, यहाँ बाहर बहुत अच्छी चाय भी मिल रही थी तो मैंने चाय भी पिया। ये पूरा आर्मी मैनेज करती है हमारी, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुकून है इस जगह में। यहाँ आके बैठने में बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब यहाँ आओगे तो एक बार विज़िट करो। बहुत से लोग स्किप भी कर देते हैं बट यार 15-20 मिनट की बात है, आओ यहाँ पे। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे।
सो ये पहाड़ों के नीचे जो पूरा शहर बसा हुआ है ये ले सिटी है। ले का हॉल ऑफ फेम है। हम लोग शायद कल आएंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, बहुत अच्छा है, वर्थ है, आने लायक है। कल्चर वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम। तो जी ये अपना होटल है, होटल शैनम। अच्छा है, डिसेंट है, इकोनॉमिकल है, ले मार्केट के एकदम पास है। ये ले मेन मार्केट है, ये रोड पे है, बस यहाँ से आगे जाना है और आप पहुँच जाओगे यहाँ पे। अच्छी प्रॉपर्टी में यहाँ पहले रह चुका हूँ, इनका किचन है, आपको जो चाहिए खाने का वो बना के दे देते हैं, तो ठीक है हम लोग के लिए तो बेस्ट हो गया ये। सो जी ये हमारा होटल है, पिछले बार भी हम लोग यहीं रुके थे, यहीं से फ्रेश एप्रिकॉट और एप्पल तोड़ तोड़ के खाए थे, अभी भी लगे हुए हैं एप्पल एप्रिकॉट, तोड़ेंगे खाएंगे, अभी नेक्स्ट 3 दिन यहीं है। और सामान हमने पूरा अभी ले आए गाड़ी से, ये रूम है, टीवी है, डिसेंट है, इकोनॉमिकल है, तो सही है। क्या खा रहा है कुतुर कुतुर के? एप्पल, लद्दाखी एप्पल। अच्छा है। रहे हो क्या गेम है? कार्ड गेम, फ्लैग कार्ड। क्या है बताते जाइए, कौन सा है? इंडिया, जापान, ओके, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ओके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, वाओ, यूक्रेन, यूक्रेन, यूक्रेन है कि युगांडा? युगांडा। हाँ, और क्या क्या पता आपको? क्या पता बताइए, कौन सा? ओके, और कौन सा पता है आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पता है? तो ये लद्दाख कॉन्टिनेंटल के एकदम सामने में है हमारा होटल। हम लोग अभी ले मार्केट के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा शॉपिंग करेंगे। अभी नेक्स्ट 2 डेज हम लोग ले में ही हैं एक्लिमेटाइज होने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ड्रैगन सुपरमार्ट यहाँ पे आएंगे बाद में, सामान जो भी राशन वगैरह का चाहिए ले लेंगे। गुपचुप दिखे और परी ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गए, एक प्लेट गुपचुप खाऊंगी। सो अभी हम लोग आ गए हैं ले मेन मार्केट में। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बड़े बैंक के एटीएम्स भी हैं, HDFC, ICICI, तो आगे की जर्नी के पहले अगर लेना हो तो यहाँ से पैसे निकाल सकते हो। ये ले मेन मार्केट का पोस्ट ऑफिस है। लास्ट टाइम मैं आया था तो हमने यहाँ कॉर्नर से शॉपिंग करी थी, एंड देन यहाँ कहीं पे खाना खाया था।
चलो तू कर देगा, तू कर देगा। 1 2 3 क्या गेम खेल रहा है आपको, दिखाओ करके। द ड्रैगन सुपर मार्ट, यहाँ जाके देखते हैं कुछ सामान मिलेगा तो ले लेते हैं अभी। तो जी हम आ गए शॉपिंग वॉपिंग करके, थोड़ा खावा के अभी अपने होटल की तरफ जा रहे हैं वापस। यार यहाँ का बड़ा मज़ा है, नाइट में मस्त वॉक के लिए निकल जाओ, बोले मेन मार्केट में घूमो, देन अपने होटल आओ, आराम से रिलैक्स करो। यहाँ 8:30-9 बजे तक मोस्टली शॉप्स बंद हो जाती हैं, बड़े बड़े कैफेज हैं ये सब तो खुले रहते हैं रात को 10-10:30 बजे तक, 11 बजे तक, बट हाँ ये रोड साइड शॉप्स हैं ये सब 8:30-9 बजे तक बंद होना शुरू हो जाती है। तो चलो गाइस आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल 2 दिन हम लोग लेह में लोकल साइट सीइंग एंड लोकल मार्केट ही करने वाले हैं बिफोर गोइंग टू पैंगोंग और नुब्रा वैली। तो 2 दिन एक्लिमेटाइजेशन के लिए दिया है लेह में एंड मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो फिर, सी यू टुमारो।